नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली गुरु यूट्यूब चैनल और यहाँ पर ये जो गोरखपुर से हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है और यहाँ पर साफ लिखा है कि वेतन नहीं मिला तो गूगल फॉर्म भरें, समस्या होगी दूर। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की पहल, 101 लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। तो इसमें क्या है, पूरा न्यूज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को अगर वेतन नहीं मिला है तो वे गूगल फॉर्म भर दें, उनकी समस्या का झटपट समाधान कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते ही विभाग की ओर से इसका सत्यापन कराकर जल्द से जल्द वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन या मानदेय का भुगतान समय से कराने के लिए गोरखपुर के BSA कार्यालय ने अनूठी पहल की है। इसके तहत विभाग ने ऑनलाइन गूगल फॉर्म का लिंक विभिन्न शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पर साझा किया है। BSA कार्यालय के इस प्रयास की सराहना सोशल नेटवर्किंग साइट पर हो रही है। गूगल फॉर्म शेयर करने के बाद से अब तक 101 लोगों ने फॉर्म भरकर वेतन या मानदेय न मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। जिले में सरकारी शिक्षकों के अलावा शिक्षणेत्तर कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, RTO या IT प्रशिक्षक तैनात हैं। कोरोना काल में वेतन या मानदेय का समय से भुगतान न होने की वजह से शिक्षकों के विभिन्न ग्रुप पर इसके लिए विभाग को निशाने पर लिया जा रहा था। शिक्षक संगठनों की ओर से BSA को ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की जा रही थी, जिसके बाद विभाग के बंद होने के बाद भी वेतन का भुगतान किया गया है। वहीं जिन्हें भुगतान नहीं हुआ है उनके लिए गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है। तो ये इसमें लिखा हुआ है और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कोरोना संक्रमण के काल में वेतन या मानदेय भुगतान के दौरान किसी शिक्षक या कर्मचारी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसे लेकर गूगल फॉर्म का लिंक जारी किया गया है। सीधे तौर पर शिक्षक या कर्मचारी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, उसे संबंधित ब्लॉक पर भेजकर जल्द से जल्द अड़चन को दूर कराया जाएगा। BN सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक है, 49 परिषदीय विद्यालयों में बनेंगे अतिरिक्त क्लासरूम। तो ये तो अलग चीज़ है, इसको हम नहीं देखते। हालांकि ये जो जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय गोरखपुर, वो सराहनीय कार्य इनका है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।